जी मैंने सुना है अभी के किसी ने मुझ पे 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी कीमत 500,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 500,000 करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है। जी मैंने सुना है अभी के किसी ने मुझ पे 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी कीमत 500,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 500,000 करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है। आप ये देख सकते हैं, जूते पे कैमरा डालिए, ये 500 करोड़ तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं, आप देख सकते हैं पूरे हीरे जवाहरात। जी चलिए अभी बोलिए। तो आदिल ने बोला है कि उन्होंने दो डेफिनेशन आपके ऊपर फाइल किया है, क्या कहना चाहोगे? हमने जो पहले आपके जो जो भी जिनका नाम आपने बोला है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यूज देखने चाहिए कि मैंने वो जो केस था वो राजेश्वरी मोरे पे किया था, यू नो 100 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजियों से बात करा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो और वो झूठ बोल रहे हैं कि उन पे मैंने केस किया। मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया रात में सैया, जो जो एज हम नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको। बोल दिया जिसको बोलना था, जिसको समझने वाले थे वो समझ गए। राकेश जी आपने कहा था कि आदित्य जो है वहाँ पे आवरण का जो है पैसे होता वो करना, और एक बार जो है कल्याण जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं मेरे ब्रांड को बदनाम किया गया है, राकेश जी जो है कुछ 27 लोगों को लेके आवर जो है दे रहे हैं करने का, किसने क्या राय है? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो। उनको मेरे सामने लेकर आइए। देखिए जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, है ना? तो मैं चलती हूँ, मेरे पीछे 1,000 कुत्ते भौंकते हैं, मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ? ना और जिस दिन मैं काटने जाऊँगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे। मैं कल्याण जी ये भी कहा है कि अगर मेरे ब्रांड को बदनाम किया जाएगा मैं अगले की सुसाइड कर लूँगा, उन्होंने ये भी कहा है। तो क्या कहना चाहिए उसको? बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे। राखी सावंत के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि राखी सावंत सच्ची है। अब तो मुझे अल्लाह अब्बा पिता खुदा का आशीर्वाद भी मिल चुका है, और आज आप मेरा लुक देख रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि मैं अबाया पहनूंगी तो मुझे बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब मेरे सर पे खुदा का हाथ है, देश की जनता का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, तो चाहे मैं ऊपर से नीचे तक ढकी भी रहूँगी तो मेरी जो रिज़क है, जो मुझे मेरी रोज़ी रोटी है, खुदा मुझे ऐसे भी दे देगा। जी देखिए बहुत ही मेरे सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज़, मेरी फिल्में आने वाली है, और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक ढककर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता? मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी। आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूं, क्योंकि सब ने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूं, तो अब मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मैं खुदा से मैं दुआ करूंगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग जो इस्लामिक नहीं हैं उनसे भी दुआ करूंगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मुस्लिम भाई बहनों का और सारे हिंदू भाई बहनों का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं जी, जैसा देश वैसा भेष होता है, तो वैसे ही अगर ये लुक्स, अभी मैं उमरा से आई हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना ये लुक्स बरकरार रखूँगी,
वर्ल्ड में जितने भी अबाया ये बनाते हैं बुरखे अबाया, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करें। मैं हर वक्त अलग अलग स्पॉन्सरशिप में अबाया पहनना चाहूँगी और डायमंड के नेकलेस और ये पर्स और जूते भी दे सकते हैं। शुक्रिया। राखी जी, राखी जी। पकड़ लिए, पकड़ लिए। क्या कहना चाहोगे आज आप?